तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप WhatsApp पर अपना खुद का चैनल कैसे बना सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि WhatsApp पर भी अभी हम चैनल वगैरह बना सकते हैं, जैसे हम Telegram या फिर YouTube पर चैनल बनाते हैं, तो उसी तरीके से अभी आप WhatsApp पर भी अपना खुद का चैनल बना सकते हो और चैनल बना के आप पैसे वगैरह भी कमा सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा ऑडियंस बेस हो जाता है, आपका चैनल जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलने लगेंगे, तो उसके थ्रू आप पैसे वगैरह कमा सकते हो। हालांकि अभी तक ऑफिशियल WhatsApp में कोई भी मोनेटाइजेशन का फीचर हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन आगे चल के हो सकता है इस तरह का भी फीचर हमें देखने को मिल जाए जिसके थ्रू हम पैसे वगैरह कमा सके। इसलिए आप जो अभी से अपने WhatsApp पर चैनल बना के ग्रो कर सकते हो। तो कैसे चैनल बनाना है जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले आप अपने WhatsApp को प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिए। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए और WhatsApp को अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद आप WhatsApp को ओपन कर लेना। WhatsApp ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक कर देना। तो इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको चैनल का फीचर देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल नया फीचर आया है अभी WhatsApp में। तो यहाँ पर आपको जो बहुत सारे ऑलरेडी चैनल मिलेंगे जिन्होंने बनाए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसमें आप अपना खुद का भी चैनल बना सकते हो, हालांकि ऑलरेडी पॉपुलर चैनल से। इसलिए यहाँ पर अगर आपको किसी दूसरे का चैनल सर्च करना है तो कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिंपल फाइंड चैनल पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे चैनल तो मिल ही जाएंगे, और यहाँ पर आप सर्च बटन पर क्लिक करके सर्च भी कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना खुद का चैनल कैसे बना सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर आना है चैनल वाले होम पेज पर। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर ये जो प्लस ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलेंगे, फाइंड चैनल और क्रिएट चैनल। तो फाइंड चैनल पर क्लिक करके आप चैनल दूसरों के चैनल जो है सर्च वगैरह कर सकते हो, फॉलो वगैरह कर सकते हो। लेकिन अभी हम खुद का चैनल बना रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट चैनल का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये ऑप्शन अभी सबको नहीं मिला है, ये धीरे धीरे मतलब मिल रहा है सबको। तो अभी मुझे भी नहीं मिला था, लेकिन आज सुबह ही मैंने देखा तो ये मुझे मिल गया था। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको इसका कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपको WhatsApp का जो गाइडलाइन है वो आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपने चैनल पर कुछ उल्टी सीधी पोस्ट करोगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद रहोगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी है, और यहाँ पर इनका जो गाइडलाइन है वो क्या क्या है वो आप यहाँ पर ब्लू लाइन में जो गाइडलाइन लिखा है इस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ पर क्लिक करके, तो इस तरह के पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है इसके गाइडलाइन वगैरह देख सकते हो। तो अभी यहाँ पर मैं इसको बैक कर देता हूँ। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो है सिंपल से कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर चैनल नेम पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप अपने चैनल का जो भी नाम लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख देना। तो अभी के लिए यहाँ पर मैं अपने यूट्यूब चैनल का ही नाम लिख देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर अपना चैनल का नाम लिख देते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, मतलब जिस भी कैटेगरी का आपका चैनल है वो आप यहाँ पर लिख देना, ताकि जो भी फॉलो करेगा वो उसको पता चल जाएगा कि चैनल किस बारे में है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो अभी के लिए यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर अपने चैनल का जो लोगो है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर देना, और आपका जो भी चैनल का लोगो है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तो आप चाहे तो इमोजी भी लगा सकते हो। तो अभी के लिए यहाँ पर मैं अपने चैनल का पुराना एक लोगो है तो उसको मैं लगा देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने अपने चैनल का लोगो सिलेक्ट कर दिया है। तो आप चाहे तो यहाँ से इसको क्रॉप वगैरह कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैं इसको फुल ही रख देता हूँ। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका लोगो यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो इसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर क्रिएट चैनल का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका जो चैनल है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो चैनल है वो बन गया है। यहाँ पर हमारे चैनल का नाम दिख रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह के आपका चैनल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर कुछ भी पोस्ट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो पिन वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ से आप गैलरी सेलेक्ट करके आप यहाँ पर पोस्ट वगैरह कर सकते हो। तो अभी के लिए यहाँ पर जो है मैं देखता हूँ कुछ पोस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ कॉपीराइट फ्री इमेजेस पड़े हैं, तो उसी को यहाँ पर मैं मतलब उसमें से कुछ इमेजेस यहाँ पर मैं डाल के आपको दिखा देता हूँ। तो चलो इसको इसको और चलो इसको डालते हैं। तो यहाँ पर मैं तीन चार इमेजेस सेलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर ओके करूँगा, और सिंपल से आपको यहाँ पर सेंड बटन पर क्लिक कर देना। तो ये जो है सब कुछ आपके चैनल के ऊपर पोस्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो।
तो इस तरीके से आप चैनल पर अपने पोस्ट कर सकते हो। तो उसके बाद अगर आप अपने चैनल को मतलब लिंक वगैरह शेयर करना चाहते हो अपने दोस्तों के साथ, या फिर अगर आप एक यूट्यूबर हो वहाँ पर आप अपना चैनल प्रमोट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इस चैनल का लिंक पेस्ट करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, तो सिंपल है, आपको यहाँ पर चैनल लिंक लिखा है इस पर आप क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कॉपी लिंक का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक करके लिंक का मतलब लिंक जो है वो कॉपी कर सकते हो और यहाँ पर आप उसको कहीं पर भी शेयर कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर डायरेक्ट शेयर का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। इसके बाद अगर आप अपने चैनल के ऊपर क्लिक करोगे नाम के ऊपर, तो यहाँ पर आप अपना डीपी मतलब लोगो जो है वो चेंज कर सकते हो। और इसके बाद अभी आपको यहाँ पर और नीचे आते हो तो यहाँ पर आप अपना चैनल डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, हालांकि इसमें अभी कुछ ज़्यादा फीचर्स तो नहीं देखने को मिलते, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के और भी इसमें हमें फीचर्स देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से आप व्हाट्सएप पर अपना खुद का चैनल बना सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।